मेरा नाम मुस्कान है और मैं इनकी डॉटर हूँ। ये मेरी मदर हैं। एक्चुअली मेरे फादर को सुबह 7 बजे के अराउंड वो वॉशरूम गए थे और वहाँ पर उनको एकदम से वो बेहोश होकर गिर गए। हमने जब गेट खोला तो उनके मुँह से बहुत ज़्यादा झाग आ रहे थे, बहुत बलगम निकल रहा था और हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर हमने डॉक्टर रोहित से कॉन्टैक्ट किया, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हम 7-8 साल से उनके टच में ही हैं। हमने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, उन्होंने बोला कि आप एक बड़ी ब्रेन रिलेटेड इशू लग रहा है, आप तुरंत हॉस्पिटल ले आओ। फिर हम यहाँ लेकर आए तो उनकी MRI हुई। MRI में आया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, डिफ्यूजन ब्लीडिंग, पूरे सर में उनके ब्लड भर गया है बहुत ज़्यादा, और उसकी इमीडिएट सर्जरी होनी थी जो कि उसके नेक्स्ट फॉलोइंग डे हुई। तो वो सर उनका प्रोसीजर हुआ, उसके बाद वो कुछ दिन ICU में रहे, एक दिन वेंटिलेटर पे भी थे, फिर धीरे 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 वो रिकवर होने लगे और अब आज काफ़ी ठीक हो गए हैं वो। आज उनका डिस्चार्ज है, बोल रहे हैं, उन कॉन्शियस हैं, उनकी याददाश्त ठीक है। नमस्कार, आज हम एक 49-year-old मेल पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास असहनीय सिर के दर्द के साथ आए थे। उनके परिवारजनों को लगा कि ऐसा असहनीय सिर का दर्द सामान्य नहीं है और अर्जेंटली न्यूरोलॉजिकल सहायता या कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनके ब्रेन का एक CT स्कैन कराया, जिसमें हमने देखा कि उनमें उनके ब्रेन में खून का काफ़ी रिसाव हो गया है। तो हमने आगे CT angio कराया, जिसमें खून की नसों का एक CT स्कैन होता है, जिसमें हमने पाया कि एक एनिरिज्म की वजह से ऐसा हुआ है। एनिरिज्म खून की नसों में एक गुब्बारे जैसा फुलाव होता है, जिसके फटने के कारण बहुत बार ब्लीडिंग हो जाती है। इस तरह की ब्लीडिंग को सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। इस तरह के एनिरिज्म के इलाज के लिए या तो कॉइलिंग किया जाता है या एक फ्लो डाइवर्टर या इंट्रासेक्युलर डिवाइस की मदद से इस एनिरिज्म को बंद किया जाता है ताकि दोबारा खून का रिसाव ना हो। हमारे मरीज में हमने एक इंट्रासेक्युलर डिवाइस द्वारा फ्लो डाइवर्जन करते हुए एनिरिज्म को बंद किया, जिससे मरीज की रिकवरी बहुत जल्दी हुई है और आज वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। इस केस में आपने देखा कि पेशेंट को केवल बहुत तेज सिर में दर्द हुआ, फैमिली उसको फटाफट हॉस्पिटल ले आई। जब हॉस्पिटल में उनका CT स्कैन हुआ तो पता चला कि वो हेडेक का कारण उनका ब्रेन हेमरेज था, जिसका टाइमली इंटरवीन हो गया और ब्रेन हेमरेज का पेशेंट बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया। तो कोई भी हेडेक होता है तो आपको लाइटली नहीं लेना है। हेडेक में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इसमें से कुछ भी है तो आपको जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन लेनी है। जैसे अगर सिर में दर्द बहुत अचानक से होता है, अगर सिर में दर्द बहुत तेज़ होता है, अगर कोई कहता है कि ऐसा सिर में दर्द मुझे लाइफ में कभी नहीं हुआ, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं, इस तरह का अगर हेडेक होता है, तो अगर हेडेक के साथ में किसी को डबल विजन होती है, दो दो दिखाई देने लगते हैं, अगर किसी को हेडेक के साथ में उसकी विजन कम हो जाती है, अगर हेडेक के साथ में किसी को फिट्स पड़ने लग जाते हैं या मिर्गी का दौरा आता है, या हेडेक फीवर के साथ होता है, या हेडेक के टाइम पे किसी को एक साइड पैरालाइज हो जाती है, या हेडेक के टाइम पे कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो हेडेक को आपको लाइटली नहीं लेना है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आना है और अपना ट्रीटमेंट कराना है। आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर रोहित गुप्ता एंड टीम एंड द हॉस्पिटल स्टाफ कि उन्होंने इतने अच्छे से पापा का ट्रीटमेंट किया, बहुत ध्यान रखा। हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चलता रहा और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू डॉक्टर रोहित एंड हिज टीम, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और हम खुश हैं आज वो डिस्चार्ज हो रहे हैं और उनको घर लेकर जा रहे हैं। थैंक यू।